कक्षा 7 सामाजिक और राजनीतिक जीवन चैप्टर 1 और 2 लोकतांत्रिक देश में सभी वयस्कों को वोट देने का समान अधिकार होता है, चाहे वह वयस्क आर्थिक, सामाजिक व धार्मिक रूप से समान ना हो। इसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। लेकिन देश में लोकतंत्र होने के बाद भी लोगों को विभिन्न प्रकार की असमानताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कभी अमीर गरीब होने पर भी, तो कभी जात पात के आधार पर। लोग के साथ असमानता का व्यवहार इस आधार पर होता है किसी उनका जन्म किस जाति का लिंग या धर्म से हुआ है, वे उच्च वर्ग या निम्न वर्ग किस से संबंधित हैं। भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को समान मानता है, फिर चाहे वे किसी भी धर्म, जाति व वर्ग से संबंधित क्यों ना हो। पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से रक्षा के लिए देश में कोई कानून नहीं था, मगर अब अनेक कानून लोगों को समान और समानता दिलाने के लिए मौजूद है। समानता का अधिकार दो तरह से लागू होता है, पहला कानून के द्वारा, दूसरा सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों के माध्यम से। मध्यक्ष भोजन की व्यवस्था, यह समानता की दिशा में वह भूमिहीन गरीब मजदूरों को समानता व सहायता देने के लिए उठाया गया सरकार का सराहनीय कदम है, जिसमें सभी सरकारी प्राथमिक स्कूल में बच्चों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। तमिलनाडु राज्य में यह योजना सर्वप्रथम शुरू की गई थी। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को 6 माह के भीतर इस योजना को आरंभ करने का आदेश दिया। गरिमा का अर्थ अपने आप को व दूसरे व्यक्तियों को सम्मान के योग्य समझना। नागरिक अधिकार आंदोलन 1950 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अफ्रीकी अमेरिकन लोगों ने नस्लता भेदभाव को खत्म करने व समान अधिकारों की मांग के लिए चलाया था। स्वास्थ्य अर्थ बीमारियों व चोट आदि से मुक्त रहना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, ऐसे चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्र जिन्हें सरकार चलाती है। पहला महत्व सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, ऐसे स्वास्थ्य केंद्र व चिकित्सालय जिन्हें सरकार चलाती है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में सुविधा उपलब्ध है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल सभी ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों की देख रेख करते हैं। इन सेवाओं के लिए धन जनता द्वारा दिए गए कर से आता है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है। मरीजों को आवश्यक सेवाएं देना सरकार का कर्तव्य है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी स्वास्थ्य केंद्र चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय मिल जाते हैं, इन्हें नर्सिंग होम कहते हैं। प्रयोगशालाएं चलाई जाती हैं, परीक्षण विशिष्ट सुविधाएं दी जाती हैं। इन पर सरकार का नियंत्रण होता नहीं है।
कोस्टा रिका दक्षिण अफ्रीका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। पहले एक महत्वपूर्ण फैसला लिया, देश में सेना नहीं रखेंगे बल्कि सेना पर होने वाले खर्च को लोगों के स्वास्थ्य शिक्षा व अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करेंगे।